टक्का परांठा बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू, अनियन, ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने आलू को मैश कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन, ग्रीन चिल्ली और जो करी लीव्स हैं ये मेरी ड्राई वाली हैं, मैं इनको थोड़ा क्रश करके बीच में ऐड करूंगी। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन करी पत्ता का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं एक परौंठी बना रही हूँ उसके हिसाब से है। लाल मिर्ची, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी पीठी रेडी है। अब हम परांठा बनाना शुरू करेंगे। आटे का सॉफ्ट डो तैयार कर लें और मैंने दो लोइयां ले ली हैं छोटी छोटी। अब हम इनको बेलना शुरू करेंगे। इन दोनों को इक्वली बेलना है। ये दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ताकि हमें जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये दोनों एकदम इक्वल हैं। अब हम देसी घी लगाएंगे इस पर। और इसको पिट्ठी को बीच में लगा लेंगे। साइड में से थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़कर बाकी इसको पूरे में फैला लेना आलू की पिट्ठी को। अब जो दूसरा बेला हुआ हमारा वो है उसको उसके ऊपर रख के साइडों में से हमें दबा लेना है सारे कॉर्नर से। अब मैंने सारी तरफ से दबा लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर धूड़ा लगाऊंगी और पहले हमें हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा के करना है ताकि ये सारे में अच्छे से फैल जाए। अब साइड चेंज करके हमें दूसरी साइड भी धूड़ा लगा लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। अब जी मैंने रोटी बेल ली है। अब मैं इसको तवा मैंने गर्म कर लिया है, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसको तवे पे रखेंगे। और इस साइड से भी हम ब्रशिंग से पूरे पे घी लगा देंगे।
आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एक बार इस परांठे को घर पे जरूर ट्राई करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।